अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली बैक आ चुके हैं 30 डेज चैलेंज सीरीज के एपिसोड डे 2 के अंदर। सो लेट्स सी पब्लिक, आज की गेम प्ले इतनी हार्ड लेवल निकल के आने वाली है कि यार तुम लोग खुद भी सोच भी नहीं सकते कि यार इतने हार्ड स्क्वाड जो कि एक ही गेम प्ले के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को खान साहब जो कि रीजन टॉप 1 प्लेयर देखने को मिलेंगे, बी4 के महाराजा क्रश उमैद अली एक्स गुरु लिटरली, और इसी के साथ साथ मैनी मोर यार काफी ज्यादा खतरनाक टिकटॉकर स्टार भी अपने अपने स्क्वाड्स के साथ इस गेम प्ले के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई थी। और लिटरली यार भाया FF और लेजेंड 744 जो कि टिकटॉकर्स हैं, काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेंगे। और हमारे साथ इतनी इंटेंस मोमेंट रही कि यार मैं खुद भी परेशान था कि भाई ये स्क्वाड्स आ कहां से रहे, क्योंकि मैं तो कोई लाइव भी नहीं कर रहा कि यार मैच मेकिंग वो करके आ जाए इतने सारे प्लेयर्स। तो लिटरली ऐसा सीन भी देखने को मिला हम लोगों को। और अगर मैं तुम लोगों को रीजन की लिस्ट भी दिखाता चलूँ तो रीजन की लिस्ट के अंदर भी आप लोगों को मैक्सिमम जो कि अभी न्यू मेंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और कुछ अजीब नाम भी तुम लोग देख रहे होगे, क्योंकि यार तुम लोगों को पता है सीजन के स्टार्ट में सारे मोस्टली डड्डू निकल के आते हैं जो कि पुशिंग करना स्टार्ट करते थे, लेकिन एक या दो हफ्ते के अंदर एक पहले वीक के अंदर पब्लिक आइडिया हो जाएगा सबका और सबकी पुशिंग स्लो हो जानी इजिली और सबकी पोजीशंस मेंटेन करते हुए दिखाई देंगे। इवन के जो ओल्ड प्लेयर्स हैं वो भी रिटर्न आ चुके हैं जितने भी। और अब अगर तुम लोगों को बताया चलूँ तो यार और उन्होंने खुद ही पोजीशन को थोड़ा सा डाउनवर्ड रखा हुआ है, और आप देखना खुद कुछ दिनों के अंदर कुछ ने तो लगा भी दिए पोजीशन, वो टॉपन जैसे मजनू और खान साहब इन्होंने तो लगा दी और कुछ की रह गई है। तो पब्लिक वीडियो तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं वीडियो के अंदर। फाइनली लैंडिंग हमेशा यार पीक पर करता है, लेकिन आज लॉबी इतनी हार्ड थी कि यार मैंने खुद यार लोकेशन चेंज की है और लिटरली पाया लोगों के किल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, और रीजन के सारे प्लेयर स्टार्ट में तुम लोगों को पता है कितनी तेजी से किल करते हुए दिखाई देते थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ स्टार्ट में ताकि थोड़ा सा रह सके। और इसी तरीके से अगर P9 को नॉक कर दिया गया था तो मैंने कहा चलो यार इसको भी जल्दी से रिवाइव वगैरह वाला सीन भी कर लेते हैं। लूट हमारे पास काफी अच्छी आ चुकी है और व्हीकल्स भी बाहर घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। पब्लिक तुम लोगों ने टोटली फोकस करना है नीचे किल्स पे जो कि किल्स आ रहे हैं, और लिटरली मैंने यहाँ पर कोविन में 89 कराया यार, मुझे यहाँ से पता नहीं कहाँ से पड़ी हो रही, देखो V2K भगा हुआ आ रहा है यार, और इतने में मुझे फौरन से रिवाइव भी मिल गया। भाई क्या बात है, यहीं पर ही लैंडिंग करते हैं वापस, मतलब बंदा मेरा बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था कि ड्रैगो तू बाहर जा तू मरेगा और मैं तुझे रिवाइव करूंगा इसी चक्करों में। और अब यहाँ पर हैरी ने नाइस नॉक कर दिया लड़के ने नीचे, अब मैं उतरता हूँ क्योंकि यहाँ पर तीन बंदों का रश था जो कि ये ना मेरे टीम मेट पे महंगा पड़ जाए ये वाला रश है। और लिटरली मैंने चलो कवर देने के लिए मैं फाइनली पहुँच गया हूँ बंदे के पास, तो उसने बंदे ने मुझे देख लिया था, मैंने यहाँ पर कुछ स्प्रे जरूर कराया, इसमें एक रेड नंबर भी लग गया और इसको यहाँ पर नॉक कर दिया। चलो और वो देखो व्हीकल वाला जैसे यहाँ से बस बात क्या भाई, उसके तीन टीम में जैसी नॉक हुआ बस वो चौथा गाड़ी लेके फौरन से निकल गया, उसने यहाँ पर रुकने की जहमत ही नहीं की। और मैं यहाँ पर हवा वगैरह में देख रहा था कि यार मैंने कहा कोई बंदा क्या पता रिवाइव वगैरह होकर वापसी वाला सीन करे, क्योंकि तुम लोगों को पता स्टार्ट है ना, स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे थे यार आगे की तरफ और यहाँ पर दरख्त के पीछे बंदा खड़ा हुआ था, मुझे अनएक्सपेक्टेड एक भी हेड नहीं लगा यार, इतना ट्रैक के बावजूद जब ना लगे तो फिर एक भी हेडशॉट कनेक्ट ही नहीं होता यार। और इस बंदे ने इतना डैमेज के बाद फौरन सर्कल बना दिया, मुझे लॉन्ग में नजर आया तो मैंने यार लॉन्ग वाले को पहले पकड़ लिया, मैंने कहा चलो यार ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो अब यहाँ पर इसका मैं वेट करता हूँ जल्दी से ये आए निकले ना बाहर तो फिर इसको पकड़ते हैं। चलो फाइनली ओके गया, हेडशॉट लग गया भाई, हेडशॉट आप लोगों को पता कभी कभार फंस जाते हैं यार नहीं निकलते, वो काम खराब हो जाता है यार वो वाला सीन। तो अब यहाँ पर तीन किस्त तो स्टार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर लॉबी यार इतनी हार्ड है कि यार अब दोबारा से 42 प्लेयर्स भाई, बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट पब्लिक रहने वाली है यार इस गेम प्ले का, क्योंकि इसके ओ हंट लगा दिया भाई बंदे ने, पब्लिक इतना कॉन्फिडेंट चेक करो किस बंदे का यार, कौन से स्क्वाड ने लगाया हो सकता है, क्या लगता है तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पब्लिक कि यार हंट किसने लगाया। वैसे यार इतनी डेंजरस लॉबी के अंदर वो भी 46 प्लेयर्स दोबारा से होने के बाद हंट लगा दिया गया, अब ऊपर हवा में आई थिंक एक बंदा है ना वो देखो क्या आ रहा ना। हाँ देखा मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये भाई आप लोगों को पता है ना, अपने स्टार्ट में तो सर्वाइवर आप लोग बार बार रिवाइव देता है तो बंदे उतरते हैं रिवाइव हो के। चलो कोई ना हम भी किल उठाएंगे ना स्टार्ट में। अब यहाँ पर गाड़ी लेकर हम लोग निकले, मैंने कहा एयर ड्रॉप वगैरह चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि हंट वाले से तो बच के निकला, क्योंकि मुझे नजर आ गई थी कि गाड़ी में चार बंदे भागे हुए आ रहे हैं भाई सीधी बात जो है। तो यहाँ पर बंदे को मैंने डैमेज जरूर कराया, बंदा टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाइस मुझे कवर टीममेट ने काफी अच्छा दिया और उसको व्हीकल बैठते ही नॉक कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा चलो यार एयर ड्रॉप वगैरह चार्ज कर लेते हैं क्योंकि यार लूट वगैरह हमारे पास अच्छी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम एयर ड्रॉप बनाते हैं और यहाँ पर P9 वही वो देखो हवा में बंदा आ गया, उसको लगाते हैं वो देखो दूसरा भाई, एक ने तो फेल्को लगाया हुआ, फेल्को में तो यार एक डैम ओ ये कहाँ से है यार, ये पब्लिक देखो फोन से लेके पब्लिक कोई फुट स्टेप नहीं है यार, लिटरली मैं दोबारा से यहाँ पर लैंडिंग कर रहा हूँ। अब ये कौन है यार, बंदे काफी अच्छे हैं, वो भी
अच्छा नहीं, ओवी नहीं, ओमी, मिस्टर ओमी। ओके चलो खेलते हैं, उठा ले जल्दी जल्दी से बबले को, और कुछ नहीं भाई आप लोगों का। थोड़ी देर के बाद दोबारा से मैंने कहा लूट करके थोड़ी साइड में ना ऊपर वाले एलिशिप पे लूट की है। अब ये बंदा जो कि जा रहा था यहाँ पर कुछ रेड नंबर मैंने उसको कराया जरूर है, और अब यहाँ पर मैंने फोरन से टेक्निक लगाया पोर्टल, मैंने कहा हील कर रहा होगा उसको पता भी नहीं चलेगा, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैंने नॉक किया जैसे ही, अब इसका दूसरा टीममेट जो कि यहाँ पर लैंड हुआ है दोबारा से, भाई इतनी जल्दी वापस भी आ गया वो बंदा। अब वो देखो मैं तो लिटरली मैं तो हूँ अल्ट्रा लेवल वाला नूब बन गया था इस टाइम पे, क्योंकि रिकॉइल हो गया था मेरा तो, रिलोड भी चली गई थी। अब उसकी भी गोली नहीं लगी यार, लिटरली मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बचत हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखो ओनली 12 एच भी थी। और पब्लिक मैं तुम लोगों को बताऊँ कि यार ये वाली गेम प्ले जो है ना ये अपडेट से पहले की गेम प्ले है, और मुझे पता है कि तुम लोगों में कैसे काफ़ी सारे बंदे ऐसे होने वाले हैं जो कि कहेंगे ड्रैगो भाई फैक्ट्री पे तो यार बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा होगी यार ये वो है। तो पब्लिक वो वाला सीन मैं तुम लोगों को बता दूँ कि यार रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो कुछ वीडियोज़ आप लोगों को प्रीवियस अपडेट से पहले वाली ही आएंगी। तो अब यहाँ पर तुम लोग सिर्फ गेम प्ले को एंजॉय करना। अब यहाँ पर लैंडिंग हमारी है, और ये वाला सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग पकड़ने वाले हैं टिकटॉकर्स को। पब्लिक टिकटॉकर्स में से कौन कौन आने वाला तुम लोग खुद ही नाम देख लेना, और लिटरली हम लोगों ने इमोट भी कर दिया भाई एक देखो तो। अब यहाँ पर रैग्नारोक निकल गया लेजेंड, अरे भाई फॉरन से इमोट भी मैंने कर दिया। चलो मैंने कहा चलो यार कभी कभार इनको भी होना चाहिए यार अपडेट, क्योंकि ये लोग भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स वगैरह करते हुए दिखाई देते हैं पब्लिक। तो मैंने कहा चलो यार बी आर में आज आ गए हैं तो पकड़ लेते हैं हम लोग बी आर। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इसको मोड मोड भी कर दिया। अब यहाँ पर क्रश लोगों के काफ़ी तेज़ी के साथ खेल जा रहे हैं पब्लिक। रीजन आजकल ना भाई रीजन इतना हार्ड चल रहा है ना कि यार हर बंदा 10-10 20 20 स्कोर की लीड पर है, और बस पूजा निकालता और अगलों का मिस करवाने के चक्करों में। तो अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, ओए टीएमटी वालों का स्क्वाड आई थिंक ये वाला। तो अब यहाँ पर ओए बचा लेना लड़को, किल फिनिश जबरदस्त जबरदस्त किल वाला स्किल वाला स्क्रीन फिट है, किल फिनिश करते रहो टाइम पे। अब यहाँ पर इनको मॉन्स्टर को हम लोग पकड़ते हैं, पीछे भी एक मेरा मॉन्स्टर है उससे ही बचना पड़ेगा, बंदर चले जाते हैं ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर एक और बंदा आया ज़रूर है, तो अब यहाँ पर मेरे पास लैंडमाइन है ना, लैंडमाइन लगाते हैं तुम लोग इधर बंदों को मारो, मैंने लैंडमाइन। चलो क्रश लोग भी आ गए, मतलब यहीं पर स्क्वाड पब्लिक रश करते हुए हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लड़कों को मिशन हो गया, खान पहुंच चुके हैं पर नॉक किया गया पब्लिक, और इसी का भाया गया, और अरे ये भाया पड़ा हुआ ओके उठा लो भाया यार ओके चलो गया ये भी गया बिफोर के माचा। मतलब मुझे लग रहा है कि भाई मेरा किल इन्होंने आने नहीं दे रहा मेरे टीममेट्स ने, लिटरली जिसों का डैमेज करा रहा हूँ। अब देखो हैरी भाया को ले गया, महाराजा को ले गया यार, एक एक गोली को छोड़ता हूँ और किल गायब हो जाता है। लेकिन कोई ना, तुम लोगों को पता है इंटेंस मोमेंट में किल जितना मैटर नहीं करते भाई, फिलहाल के लिए स्क्वाड आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए, अपने आप को मेंटेन कर सकें ताकि। लेकिन होता है यार, अब यहाँ पर तुम लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि यार जोन चेक करो और इसी के साथ बंदे चेक करो यार, तुम लोग 30 प्लेयर स्टिल अलाइव पब्लिक यहाँ पर। मैंने शुगर स्टार्ट में किल्स कर ली, तो वरना देखो ये अपने दोस्त ऐसे हों तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है, पब्लिक एक भी किल नहीं आने दे रहे यार, ये जत्ती है यार। तब यहाँ पर 18 बंदे रह गए, तो हम लोगों ने इरादा किया कि यार मॉन्स्टर ट्रक लेके निकलते हैं, तो मॉन्स्टर हम लोगों ने पकड़ लिया है। अब यहाँ पर जो भी हमें नजर आने वाले हैं ना बस उनको हम लोग पकड़ेंगे। अब ये वही वाला बी टू के है ना पब्लिक, अब यहाँ पर बी टू के चलो स्कोप में पड़ेगा, इसकी निशानी लगी हुई थी देखो लॉन्ग से किसी ने इसको टपका दिया भाई, बहुत गंदे वाला। ओके कोई ना, अब हम लोग अपने टीममेट्स को भी साथ साथ कवर करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि खान साहब लोग भी यहाँ पर अपने स्क्वाड को टॉप पोजीशंस में मेंटेन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी तो पोजीशन भी उन्होंने स्टार्ट में ही लगाई है। तो अब यहाँ पर उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन यार रिस्क है तो इसके पब्लिक कोई वाली चीज़ है ना। तो अब यहाँ पर अब ये अपनी टीममेट चलो उड़ो उड़ो खैर है यार, लॉबी आखिरी टाइम है भैया, हम लोगों ने निकालना है इंशाल्लाह यार। जिस लॉबी में हम लोग उतरते हैं भाई बहुत कम चांसेस होता है कि पब्लिक हम लोग भैया किसी और को देंगे, तो इंशाल्लाह आज वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं दोबारा से। अब ये बंदे को हम लोगों ने बाहर फेंका और डेविल ये तो गया, स्क्वाड वाइप हो गया इसका। तो चलो आखिरी बंदे अकेले अकेले फिर रहे यार, और ये व्हीकल्स वालों को तो पकड़ना पड़ेगा यार। मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया कि यार जिनके पास व्हीकल्स है ना भाई, इनकी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करो जितना जल्दी हो उसके, ताकि हम लोग लास्ट मोमेंट से पहले पहले ना हम लोग इनको व्हीकल से उतार लें और मॉन्स्टर का एडवांटेज हम लोग ले सके इजीली। तो चलो अब यहाँ पर 3-4 बंदे बचे हमारे अलावा। अब यहाँ पर हमारे टीममेट पब्लिक की ओली यार देखो इकट्ठे दोनों ही नॉक हो गए भाई हमारे टीममेट यार, एक तो जोन के पता ही कौन से कोने में बैठा हुआ है और एक तो इस साइड पे एलिमिनेट हो गया भाई। ओए दिनू चलो ये देखो दिनू भी गया। अब यहाँ पर इस बंदे को हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने कहा चलो ये आखिरी 90 लेवल प्लस लुवाल ओके महाराजा था भाई। चलो कोई ना महाराजा जी, अब यहाँ पर ड्रैगो भैया करने वाला है, तो अब यहाँ पर इसको मैंने डैमेज काफ़ी ज़्यादा कराया और ये नॉक। ओए रोनाल्डो अरे भाई क्या बात है, लवी में रोनाल्डो भी, रोनाल्डो आम ले रह गया इस लॉबी में। चलो कोई ना रोनाल्डो ही पब्लिक मारने आया कोई फ्री किक वगैरह,
तो अब यहाँ पर हम लोगों ने नेट शेट बरसा दिए हैं, कोई ना, अब दो बंदे वो भी हैं, अब इसको मैंने डैमेज करा दिया काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं नीचे तो जाने लगता हूँ यार, यहाँ पर अनलिक की सीन हो जाता है यार, कसम से नॉक बंदे वाला कर दिया, उसको दूसरा टीममेट मेरे पर रश कर जाता है यार, यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब आखिरी मोमेंट है, अगर लड़का कर लेगा वैसे उम्मीद है मुझे, क्योंकि पब्लिक यार तुम लोगों को पता होना चाहिए यार, छोटू ऑलवेज यार प्रो प्लेयर है यार पब्लिक। और इसी के साथ यहाँ पर अब आखिरी बंदा बचा है, नाइस हेडशॉट के साथ कवर अप करेगा बंदा, जबरदस्त हो गया। 1v1 की सिचुएशन है, 1v1 तो यार निकाल ही जाएगा इजीली यार, टीममेट पब्लिक बहुत तगड़े हैं मेरे, कर सकते हैं यार। मोबाइल प्लेयर तो वैसे ही लेजेंड है यार आजकल। वैसे तो ये ना हो मैं इतनी तारीफ कर दूँ एंड पे जाके मारा जाए भाई, ये ना कर दी क्योंकि अक्सर यार ये वाला सीन हो जाता है, उसने ग्लू मेल्टर वगैरह फेंक दिया है। नाइस, कर लेगा लड़के, यू कैन डू इट, कर सकता है वे लॉन्ग, तो यार वो लॉन्ग ले रहा है। नाइस स्प्रे, एक दो बुलेट का है, ले गया फाइनली पब्लिक, यहाँ पर हमारा बुआ कंप्लीट। इतनी डेंजरस लॉबी के अंदर भी तुम्हारी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, और जिसने यार प्रीवियस वीडियो डे वन वॉच नहीं किया लिटरली वॉच कर लो, DMT प्रिया के साथ अपडेट कितना खतरनाक था, एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।